नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान के आर्थिक आधार, मतलब कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का आर्थिक आधार क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन के संविधान और ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का सामाजिक आधार या पृष्ठभूमि क्या है, या फिर कौन सी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जो ब्रिटेन के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार सामाजिक व्यवस्था एक देश की शासन व्यवस्था को प्रभावित करती है या निर्धारित करती है, उसी प्रकार एक देश की आर्थिक व्यवस्था भी उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, निर्धारित करती है। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जो हमारा सामाजिक जीवन है, वह आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। और शासन की या सरकार की जो सुदृढ़ता है वह भी आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। और इस प्रकार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है या असंभव है, तो उसी प्रकार इसीलिए हमें किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए उस देश की आर्थिक परिस्थितियों को, आर्थिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है, जो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण करती है या उसके स्वरूप का निर्धारण करती है। क्योंकि एक देश की जैसी आर्थिक परिस्थिति होती है या आर्थिक व्यवस्था होती है या जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, उस देश की सरकार या उस देश की शासन व्यवस्था का स्वरूप भी उसी के अनुसार होता है। जैसी आर्थिक व्यवस्था होगी उसी के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्था भी होती है। इसलिए हम देखते हैं कि साम्यवादी देशों में और लोकतांत्रिक देशों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि वहाँ दोनों की आर्थिक व्यवस्था में अंतर होता है। तो इस प्रकार हम ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए वहाँ की आर्थिक परिस्थितियों को, वहाँ की अर्थव्यवस्था को समझना जरूरी है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है या ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के तत्व महत्वपूर्ण हैं जो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ब्रिटेन आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध देश रहा है और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी दुनिया के अन्य लोगों की तुलना में काफ़ी ऊँचा रहा है। तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अगर हम देखें तो वो मुक्त व्यापार की नीति पर, अर्थात खुले व्यापार या स्वतंत्र व्यापार की नीति पर आधारित है। इस हिसाब से हम देखें तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद पर आधारित है, जो स्वतंत्र व्यापार की नीति पर चलती है, या फिर हम यह कहें कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य और सरकार का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस प्रकार ब्रिटेन की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो पूंजीवाद पर आधारित रही है। परंतु धीरे धीरे हम देखें, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती गई, राज्य का प्रभाव भी बढ़ता गया, और आज हम देखें तो आर्थिक क्षेत्र में भी अब राज्य की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है या सक्रिय हो गई है। इस प्रकार ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में विभिन्न जो आर्थिक बदलाव है या परिस्थितियां हैं उसका सहयोग रहा है। और आज स्थिति ये है कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है ब्रिटेन, लेकिन आज पूंजीवाद पूंजीपतियों में और श्रमिकों में पारस्परिक संबंध देखने को मिलते हैं, और वहाँ की सरकार श्रमिकों के विकास के लिए या श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाती है और उसको लागू भी करती है। तो ये जो दौर है और आर्थिक जो उदारीकरण का, उसमें हम देखें तो ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां हैं। ब्रिटेन का आर्थिक विकास उस अनुरूप नहीं है जैसा कि जापान, जर्मनी या उन देशों का या चाइना का हम देखते हैं। तो ब्रिटेन में अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं वर्तमान समय में, और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी उसी समस्याओं के आधार पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में निरंतर बदलाव आते हैं। तो हम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं बच्चों पढ़ेंगे।
जो ब्रिटेन की राजनीति को, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को प्रभावित करती है। सर्वप्रथम उद्योग प्रधान देश ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मुख्यतः उद्योगों पर निर्भर करती है। ब्रिटेन विश्व का ऐसा प्रथम देश है जहाँ पर औद्योगिकरण हुआ था, और इस औद्योगिकीकरण में ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ने ब्रिटेन का बड़ा साथ दिया। ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति, क्योंकि चारों ओर समुद्र से घिरा होने के कारण ब्रिटेन ने देशों अन्य देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाया, और उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है काफ़ी व्यापक था। ब्रिटेन ने अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से विश्व पर अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया। तो इस प्रकार 19वीं शताब्दी तक ब्रिटेन विश्व की एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन में उद्योगों का जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे कृषि की उपेक्षा हुई, और आज ब्रिटेन में कृषि के व्यवसाय को वहाँ लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग धंधे हैं, उद्योगों पर वहाँ के लोग ज़्यादा बल देते हैं, और इसी प्रकार के उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। नंबर दो, पूंजीवाद का विकास। ब्रिटेन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा बच्चों, ब्रिटेन एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के कारण वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ, और ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो मुक्त व्यापार पर या फिर खुले व्यापार की नीति पर आधारित है, जिसमें सामान्यतः राज्य आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः यह माना जाता है कि वही शासन अच्छा है, वही सरकार अच्छी है जो कम से कम शासन करती है, और इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो उसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुरूप ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था भी उसी प्रकार बनी, जिसमें व्यक्ति के हित और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया जाता है, राजनीतिक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जाता है, और उद्योग धंधों पर सरकार के नियंत्रण को एक तरह से उपेक्षित किया जाता है। लेकिन शुरू में ब्रिटेन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ज़्यादा बोलबाला था प्रथम विश्व युद्ध तक, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम देखें तो आर्थिक क्षेत्र में जैसे विश्व की परिस्थितियाँ बदली, आर्थिक क्षेत्र में सरकार का या राज्य का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटेन ने या सरकार ने अपने आप को थोड़ा सा उदारीकरण की ओर ढालते हुए एक प्रकार से श्रमिकों के उदार या उनके कल्याण का भी कार्य किया, और कहीं ना कहीं पर उद्योग धंधों में ब्रिटिश सरकार का कुछ नियंत्रण या हस्तक्षेप होने लगा। नंबर तीन पर, राज्य की बदलती हुई भूमिका। राज्य की बदलती हुई भूमिका, जैसा हमने ऊपर पढ़ा बच्चों कि ब्रिटेन में चूंकि आर्थिक रूप से हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती थी, या ये कह सकते हैं कि सरकार का या राज्य का उद्योग धंधों में हस्तक्षेप नहीं था या उसका कोई नियंत्रण नहीं था, पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्रों में थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक साधनों का विकास हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई चुनौतियां ब्रिटेन के सामने आई, तो उस आधार पर ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाते हुए कुछ कुछ उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित होना शुरू हुआ। और धीरे धीरे, क्योंकि ब्रिटेन के सामने आर्थिक संकट था, तो उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए साधनिक क्षेत्र में भी ब्रिटेन की सरकार का हस्तक्षेप शुरू हुआ, और इस आधार पर श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने, उनके हितों का पूरा ध्यान रखने के लिए सरकार ने अपने प्रयास शुरू किए या नीतियां बनानी शुरू की। तो इस प्रकार अब राज्य की भूमिका बदल गई और राज्य एक नियामक की भूमिका में आ गया है, और वो अपनी उस भूमिका का निर्वाह करता है। नंबर चार पर, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ब्रिटेन में जो आधार है अर्थव्यवस्था का, वो एक प्रकार से लोक कल्याणकारी है, या हम यह कह सकते हैं कि राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त करना या व्यक्ति का सामान्य कल्याण करना। चूँकि आज हम देखते हैं कि विश्व के अधिकांश या विश्व के सभी देश अपने अपने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप पर या कार्यों पर चलते हैं, तो उसी प्रकार
ब्रिटेन का लोक कल्याणकारी राज्य भी अपनी परंपरागत उदारवादी प्रथाओं और परंपराओं पर चलता है, जिसमें व्यक्ति के हित को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है और व्यक्ति के कल्याण को समाज का कल्याण माना जाता है। तो इस प्रकार आज भी ब्रिटेन में व्यक्ति की संपत्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है तथा आर्थिक असमानताओं को वहाँ पर स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहती है कि राज्य का उद्देश्य है कि व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर सुविधाएं दी जाए और राज्य व्यक्ति को शांति और व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार आदि समस्त सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए। तो इस प्रकार ब्रिटेन में लोक कल्याणकारी राज्य की नीति या राज्य की अवधारणा का प्रचलन है और इसमें परिस्थितियों के अनुसार जिस प्रकार का राजनीतिक दल ब्रिटेन में सत्ता में आता है उस प्रकार उसमें परिवर्तन नीतियों में होता है। नंबर 5 पर उद्योग और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उद्योग धंधों पर और व्यापार पर आधारित है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में कृषि को महत्व नहीं दिया जाता है या वहाँ लोगों की कृषि में कोई रुचि नहीं है, इसलिए ब्रिटेन में नगरीकरण उद्योगों पर जोर देने के कारण ब्रिटेन में नगरीकरण हुआ और इस प्रकार से ब्रिटेन के लोगों का जो जीवन स्तर है वो ग्रामीण न होकर नगरीय है, शहरी है और इस आधार पर ब्रिटेन के लोग जो है उनका जो औद्योगिक विकास है वो ब्रिटेन के लोगों को एक समृद्धि के स्तर तक ले आया, क्योंकि ब्रिटेन का औपनिवेशिक साम्राज्य रहा है और इस औपनिवेशिक साम्राज्य के आधार पर ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उद्योगों पर महत्वपूर्ण रूप से आधारित रही है और उसी आधार पर ब्रिटेन ने विश्व पर अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया और इसी आर्थिक साम्राज्य ने ब्रिटेन का औद्योगिक विकास किया और ब्रिटेन को विश्व का एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बनाने में योगदान दिया। नंबर छः बच्चों हम देखें तो कहीं ना कहीं पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संगठन है उनकी सदस्यता भी ब्रिटेन ने हासिल की और उस विभिन्न आर्थिक संगठनों ने भी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। तो हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, जो समस्त विश्व एक आर्थिक गांव की तरह बनता जा रहा है, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण की जो अवधारणा विकसित हुई और विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी साधनों के विस्तार के कारण दुनिया एक ग्लोब बन गई, ग्लोबल गांव की तरह बन गई है और इस क्षेत्र इस रूप में हम देखें तो आज विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई है और आज हम देखें तो आज अंतर्राष्ट्रीयकरण का जो युग है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूंजी का, जो अर्थ का महत्व जो हुआ, आज समस्त देशों का बाजार एक दूसरे के लिए खुला है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव देशों की राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है और इस आधार पे कई देशों में नव उपनिवेशवाद का जो एक नया जो रूप शुरू हुआ उसमें कहीं ना कहीं पर एक दृष्टि से हम देखें तो विभिन्न देश जो है उसे एक परहेज रखते हुए राजनीतिक दृष्टि से वह अपने आप को उस बाजारीकरण से नहीं जोड़ पाए और इसलिए विभिन्न देश उस मामले में पिछड़ गए। लेकिन ब्रिटेन जैसे देश ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप डाला और विभिन्न यूरोपीय संघ की सदस्यता के माध्यम से ब्रिटेन ने अपने आर्थिक संबंधों को, व्यापारिक संबंधों को यूरोप के अन्य देशों के साथ मजबूत बनाने में अपना योगदान ब्रिटेन ने दिया। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि एक देश की राजनीति पर उस देश की आर्थिक नीतियों का, आर्थिक योजनाओं का, अर्थव्यवस्था का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में आर्थिक अंतर्निर्भरता बढ़ती जा रही है और विभिन्न देश विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। विभिन्न तरह के आर्थिक संगठनों के माध्यम से
राज्य अपने आर्थिक हितों को पूरा करते हैं और इसी का प्रभाव विभिन्न देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और आगे भी पड़ता रहेगा। धन्यवाद।